आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में पहुंचने से पहले ही जहन में बद इंतजामी और दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन सीएम गहलोत के राज में प्रदेश के चिकित्सा महकमे की अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जी हां, ये कोई हमारा दावा नहीं बल्कि राजधानी की एक पीएचसी के द्वारा स्थापित कीर्तिमान की वानगी है। यह है राजधानी के देवीनगर इलाके की अर्बन पीएचसी। कहने को तो छोटे से भवन में संचालित, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी प्रभावित करने वाली कि आसपास के इलाके के लोगों में चर्चाएं होती हैं। चाहे वो हर मरीज के बीपी शुगर का रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात हो, या फिर साफ सफाई की, बैठने की व्यवस्था और स्टाफ का मरीजों के प्रति व्यवहार। तभी तो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत पीएचसी को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले संस्थान के रूप में मान्यता मिली है, वो भी 90% से अधिक अंक के साथ। इस उपलब्धि से न सिर्फ पीएचसी का स्टाफ उत्साहित है, बल्कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैंने और मेरी टीम ने 12 टीम्स बनाई, 12 चेकलिस्ट बनाई, हर काम को डिसेंट्रलाइज करके बांट दिया और उस टाइम बाउंड में प्रायोरिटीज फिक्स की। प्रायोरिटीज फिक्स करके डेली में एक एक काम लेके आता था। घर से आते ही मेरा पीएचएम बोलता था कि सर ले आए आज तो एक काम, वो काम उस डिस्ट्रीब्यूट होता था। मैंने कहा ये करके लाना, टीम इतनी डेडिकेटेड है सर, टीम के बिना ये इम्पॉसिबल है। देवीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की बात करें तो यहाँ कम जगह के बावजूद सुव्यवस्थित ओपीडी, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, टीकाकरण, आपातकालीन सेवाएं, परिवार नियोजन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन डे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, शुभ लक्ष्मी राष्ट्रीय योजना, नेबुलाइज और ECG सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा किशोर किशोरी परामर्श केंद्र, स्ट्रोक क्लिनिक, बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से काउंसलिंग सुविधा, 108 एम्बुलेंस सेवा, बुजुर्गों के लिए परामर्श क्लिनिक, बेस्ट फीडिंग कॉर्नर और माइनर ऑपरेटिंग प्रोसीजर की सुविधा भी उपलब्ध है। सेंटर की व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर मिशन निदेशक NHM डॉक्टर समित शर्मा आज देवीनगर पीएचसी पहुंचे और प्रत्येक स्टाफ से रूबरू हुए। इस दौरान व्यवस्थाएं इतनी बेहतर दिखी कि वे खुद फ्लोर की सफाई की प्रक्रिया को समझने लगी। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण यहां के डॉक्टर अनिल नायर और उनकी पूरी टीम। इस उपलब्धि पर भारत सरकार की तरफ से इस पीएचसी को 3,00,000 रुपए 3 साल तक दिए जाएंगे। तो ये छठा इंस्टीट्यूट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है, बट इस इंस्टीट्यूट की एक अलग बात है क्योंकि ये राजस्थान का पहला अर्बन पीएचसी है जो कि नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम NQAS जो कि क्वालिटी का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड होता है इंडिया में, उससे ये सर्टिफाई हुआ है। और इसके लिए यहाँ जो डॉक्टर नायर हैं और उनकी जो पूरी टीम है उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अभिभूत हैं उनकी मेहनत से और उन्होंने पूरे राज्य के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजधानी जयपुर की अर्बन पीएचसी ने पूरे देश में राजस्थान का मान बढ़ाया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देशन में विभागीय अधिकारी अब सभी जिलों में ऐसी ही तस्वीर बनाने की दिशा में लगे हुए हैं। बाकायदा मुख्यालय से प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों की मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि ये व्यवस्था पूरे प्रदेश और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिलेगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।